हम 4 दिन के लिए कांगड़ा वादी घूमने आए हैं। पहले दिन हमने मसरूर रॉक का टेंपल के दर्शन किए थे, फिर हम वहां से कांगड़ा का किला देखने गए थे। अगले दिन हम मैक्लोडगंज से ट्रेन ट्रैक करने गए थे और उसके नेक्स्ट डे हमने मैक्लोडगंज के दर्शनीय स्थल देखे थे। हमने धर्मशाला और पालमपुर के रास्ते में आने वाले सभी जगह देख लिए हैं और हमने बैजनाथ मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं और वहां से हम अब अंदरेटा गांव जाएंगे और उसके आगे हम चाय के बागान देखने जाएंगे। ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या अंतर होता है हम वहां जाकर वो भी देखेंगे। हम अंदरेटा गांव में सरदार शोभा सिंह जी की आर्ट गैलरी जो म्यूजियम है उनका वहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही सुंदर गांव है, चारों तरफ सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, तो ये आर्टिस्टों की धरती है, तो चलिए चलकर एक्सप्लोर करते हैं अंदर। आप जब भी पालमपुर आए तो वहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर अंदरेटा गांव जुड़ रहे हैं और जहाँ पर आपको कोई निराशा नहीं होगी, आप शोभा सिंह जी का घर देख सकते हैं, नोरा रिचर्ड्स का घर देख सकते हैं और रास्ते में पड़ने वाले चाय के बागान आप देख सकते हैं। शोभा सिंह जी का जन्म 1901 में पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था। 1947 में गुरदासपुर को छोड़कर वो अंदरेटा गाँव में आ गए थे। शोभा सिंह जी का नाम जब आता है तो इनकी बनाई हुई पेंटिंग जहन में आती हैं। शोभा सिंह जी द्वारा बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई हैं। शोभा सिंह जी के पास बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर जी भी आते थे, जहाँ पर उन्होंने 100 से अधिक पेंटिंग्स बनाई हैं। सन 1974 में पंजाब सरकार द्वारा उनको स्टेट आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया था। सन 1983 में शोभा सिंह जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सन 2001 में एक डाक टिकट उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। जहां पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं, जिनमें सिख गुरुओं के चित्र प्रमुख हैं। उनके द्वारा बनाए गए चित्रों में देशभक्तों के चित्र भी हैं, सोनी महिवाल और गद्दी चरवाहों के भी चित्र हैं। तो हम आपको इस पूरे गांव के दर्शन करवाते हैं, गांव को भी देखिए और शोभा सिंह जी के म्यूजियम को भी देखिए। नमस्कार, पैक फॉर यात्रा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज पालमपुर से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अंदरेटा गांव में आ चुके हैं। इस गांव को कलाकारों की धरती कहा जाता है। उसका कारण यह है कि जहां पर बहुत बड़े बड़े कलाकार कभी किसी ज़माने में रहा करते थे और घूमने आया करते थे, उनमें से हमारे पीछे जो ये घर दिखाई दे रहा है ये नोरा रिचर्ड्स का है, जो कि इंडियन नहीं थी और फिर भी वो इंडिया में आई और उन्होंने यहाँ का ये जो ड्रामा कल्चर है, नाटक कला कल्चर, उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया, चलाया। और जहाँ पर बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी, जिसे सभी लोग जानते हैं, जिन्हें वो भी इनके पास अक्सर आया जाया करते थे। और इसी से थोड़ी दूरी पर ही शोभा सिंह जी, जो बहुत बड़े चित्रकार थे, उनका म्यूजियम है, उनका घर है, वो भी यहीं रहा करते थे। उनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आया करती थी, जैसे पृथ्वीराज कपूर जी और बहुत बड़े बड़े और आर्टिस्ट उनके पास भी आया करते थे। और जहाँ से कुछ दूर आगे एक पॉटरी शॉप है, जहाँ पर बर्तनों पर बड़ी सुंदर मीनाकारी चित्रकारी की जाती है और मिट्टी से वो बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी पास में ही है। इसलिए इस गांव को, अंदरेटा गांव को कलाकारों की धरती कहा जाता था, जहां से आप दौरादार की जो पर्वत श्रेणी रेंज है, बर्फ़ से लदी चोटियां, जहां से आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो घर है नोरा रिचर्ड जी का है, इसको मड हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि वे बहुत इको फ्रेंडली थी, वो वातावरण को ख़राब नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने घर जो अपना गारे से, जिसे आप कह सकते हैं कि कच्ची ईंटें, उससे बनाया हुआ था, वो जहाँ पर मरते दम तक जहीं पर रही थी। तो चलिए नोरा रिचर्ड जी का घर अंदर से देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। घर को आप देखिए, सारा पूरा घर जो है वो मड हाउस कहलाता है, जहां पर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा एक सप्ताह का नाटक मेला भी लगाया जाता है।
यहीं पर नोरा रिचर्ड की समाधि भी बनी हुई है, जहां से हम आगे पॉटरी शॉप देखने जाएंगे। आप देखिए वातावरण में कितनी शांति है, घर के आसपास बहुत से वृक्ष लगे हुए हैं और इनके पीछे आप देखिए पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। हम नोरा रिचर्ड के मड हाउस से 100-200 मीटर की आगे आ चुके हैं। इसको पॉटरी शॉप बोलते हैं, जहां पर मिट्टी से जो बर्तन तैयार किए जाते हैं उनके ऊपर फिर चित्रकारी की जाती है और उनको फिर पकाया जाता है, जहां पर क्लासेस भी चलती हैं स्टूडेंट्स की। तो आज यहां पर हॉलीडे है संडे होने के कारण, तो हम वो तो नहीं देख पाए कैसे बनते हैं बर्तन, पर हम देखते हैं म्यूज़ियम वगैरह है तो हम वो विज़िट करेंगे। तो जहाँ पर जो बर्तन है वो बहुत यहाँ के पॉपुलर थे। इसमें मैं आपको एक पुरानी वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। जब हम पहले जहाँ आए थे तो हमने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी, और जहाँ पर आप देखिए जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्तन बने हुए हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आर्ट है, अगर कोई इसको अगर सीखता है तो। कलाकारों का गांव अंद्रेटा हमने देख लिया है, अब हम पालमपुर के पास स्थित चाय के बगान देखने चलते हैं और देखते हैं कि जो हम चाय रोज पीते हैं ब्लैक टी और ग्रीन टी, उसमें क्या अंतर है और वो कैसे बनती है। चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।